स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ग्राहकों पर आसंता जुलाई एक तारीख रु अनेक क्षेत्र में परिवर्तन आने को जाउछि। एटीएम रु टंका उठाण, खातार नगद टंका उठाण एवं चेकबुक इश्यू इत्यादि सामिल रही एणिकी टंका उठाण उपर लागिब अतिरिक्त चार्ज। बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट धारी नूतन देय लागू होबो। आसंतु जानिबा कौन कौन सब नुआ नियम जारी करछि एसबीआई। एसबीआई रो बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट समाज गरीब श्रेणी उद्दिष्ट जो मैंने बिना कौन शुल्क अकाउंट खोली पारे यू जीरो बालान्स सेविंग अकाउंट कहुए। तेज जेकोसी व्यक्ति जहाँ पाखे वैध केवाईसी डॉक्यूमेंट रही सेमाने एणिकी एसबीआई रो बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट खाता खोली पारे। तेज यही खाताधारी मसरे मात्र चार थर मागणार टंका उठाण करें। एटीएम रु टंका उठाण सामिल अच्छी तेज फ्री लिमिट शेष होगा अर्थात चार थर टंका उठाण पर प्रति ट्रांजाक्शन 15 टंका सहित जीएसटी चार्ज कर घर शाखा एसबीआई एटीएम एवं अन्य बैंक एटीएम लागू होब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर्थिक वर्ष 10 चेकपत्र बेसिक सेविंग बैंक डिपोजिट अकाउंट धारी प्रदान करपर चेक जगह एसबीआई निर्दिष्ट परिमाण में आय आदाय कर 10 चेकपत्र जीएसटी सहित 40 टंका, 25 चेक जीएसटी सहित 75 टंका एवं एमरजेंसी चेकबुक 50 टंका सह जीएसटी चार्ज करा जिवो। तबे वरिष्ठ नागरिक माने चेकबुक उपरे नूतन सेवा देयरु वंचित हेबे। तबे चेक माध्यम रे टंका उठाइबा सीमा को बढ़ाई देछि बैंक एणिकी गोटे दिन में 1,00,000 टंका पर्यंत उठाण करिहे। तेपरि विड्रॉल फॉर्म माध्यम रे एक सेविंग बैंक खातारु टंका उठाण सीमा को 25,000 टंका को वृद्धि करा जाइछि। तबे एही भली लेटेस्ट न्यूज पई आम चैनल को सब्सक्राइब करने सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑल रे सेट कर दिंतु।